इन दोनों में से बेस्ट गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड कौन सा है, HP GK320 या फिर कॉस्मिक बैट पेंडोरा? तो इसका डायरेक्ट आंसर दूं तो कॉस्मिक बैट पेंडोरा डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कॉस्मिक बैट में आपको फुल साइज कीबोर्ड या 10 कीलेस कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है एंड हॉट स्वैपेबल रेड एंड ब्लू स्विचेस का भी ऑप्शन मिलता है। एंड HP में मैक्सिमम 6 की रोल ओवर कीज है, वहीं पे कॉस्मिक बैट में N की रोल ओवर कीज है। तो गेमिंग एंड फास्ट टाइपिंग में डेफिनेटली कॉस्मिक बैट का कीबोर्ड ही बेस्ट रहेगा। एंड इन दोनों में प्राइस में ऑलमोस्ट 300 to 400 का ही डिफरेंस है, तो आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली कॉस्मिक बैट पेंडोरा या कॉस्मिक बैट मंथ में से जो भी साइज आपको कंफर्टेबल लगे वो आप परचेज कर सकते हो। बाकी ये रहे दोनों कीबोर्ड, HP जो है फुल साइज कीबोर्ड है एंड कॉस्मिक बैट में मैंने पेंडोरा मॉडल चूज किया है, तो ये 10 कीलेस है एंड इसमें मंथ मॉडल को चूज करोगे तो HP के जितना साइज में ही आएगा। बाकी HP में प्लास्टिक मटेरियल में क्लोज फ्रेम में बिल्ड है एंड इसमें फ्लेक्स है आप देख ही सकते हो, लेकिन टूट ही जाएगा इतना भी फ्लेक्स नहीं है। वहीं पे कॉस्मिक बैट में टॉप पैनल मेटल एंड बैक पैनल प्लास्टिक मटेरियल में है एंड फ्लोटिंग स्टाइल में कीस है एंड इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है, तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी वाइज कॉस्मिक बैट पेंडोरा ही विनर है। बाकी लुक्स वाइज मुझे क्लोज फ्रेम ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे फ्लोटिंग स्टाइल कीज में कीबोर्ड आधा अधूरा अनफिनिश ही लगता है। एंड आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। HP GK320 में सिर्फ ब्लू स्विचेस का ही ऑप्शन है एंड इसमें KRHD की स्विचेस को यूज किया है। स्विचेस की क्वालिटी जो है इसमें काफी अच्छी है, ओटीमो ब्लू एंड इसका की प्रेस ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं पे कॉस्मिक बैट में 2 स्विचेस के ऑप्शन मिलते हैं, ओटीमो ब्लू एंड ओटीमो रेड। मैंने रेड स्विचेस वाला वेरिएंट परचेस किया है एंड ये इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट है, काफी स्मूथ इसका की स्ट्रोक है। तो स्विचेस में भी डेफिनेटली कॉस्मिक बैट ही विनर है, क्योंकि भले ही ब्लू स्विचेस की क्वालिटी दोनों में सेम ही हो लेकिन मल्टीपल स्विचेस का ऑप्शन सिर्फ कॉस्मिक बैट में ही मिलता है। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट, तो फास्ट टाइपिंग में डेफिनेटली कॉस्मिक बैट पेंडोरा विनर है, क्योंकि इसमें काफी सारी कीज को एक साथ प्रेस कर सकते हो। वहीं पे HP में मैक्सिमम 6 की को ही प्रेस कर सकते हो। बाकी मीडिया एंड शॉर्टकट कीज का सपोर्ट दोनों में ही है, जिसे फंक्शन की से यूज कर सकते हो। HP में मीडिया कीज को प्रिंट नहीं किया है, वहीं पे कॉस्मिक बैट में प्रिंटेड है एंड LED इंडिकेशन दोनों में ही है। HP में ब्लू कलर में है एंड कॉस्मिक बैट में रेड कलर में है एंड ये RGB लाइट दोनों में ऑन है एंड सिर्फ 2-3 रो में ही LED लाइट्स का कलर डिफरेंट है एंड RGB इफेक्ट स्पीड एंड ब्राइटनेस कंट्रोल की कीज दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ओवरऑल दोनों में RGB सेम ही है एंड काफी अच्छी भी है। बाकी केबल दोनों में PVC मटेरियल में है एंड इसकी थिकनेस HP में बेटर है एंड लेंथ भी HP में ही ज्यादा है। HP में 1.8 मीटर है, वहीं पे कॉस्मिक बैट में 1.5 मीटर है एंड USB में भी HP में गोल्ड प्लेटेड है एंड कॉस्मिक बैट में नॉर्मल ही है। तो USB एंड केबल की क्वालिटी HP में ही बेटर है एंड वेट में ये कॉस्मिक बैट पेंडोरा थोड़ा लाइट वेट है, क्योंकि ये 10 कीलेस कीबोर्ड है। गेमिंग टेस्ट, तो गेमिंग में आई थिंक दोनों ही कीबोर्ड में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि HP में 6 की रोल ओवर कीज हैं, तो आप वन हैंड से मैक्सिमम 5 से ज़्यादा कीज को शायद ही प्रेस कर पाओगे एंड कॉस्मिक बैट में N की रोल ओवर कीज हैं, तो आप जितना मर्जी चाहो एक साथ की को प्रेस कर सकते हो। एंड फास्ट टाइपिंग में ये डेफिनेटली HP से बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज कॉस्मिक बैट बेटर है एंड स्विचेस ऑप्शन में भी कॉस्मिक बैट ही बेटर है। बाकी मीडिया एंड शॉर्टकट कीज तो दोनों में ही अवेलेबल है, तो अगर आपका बजट अंडर 2000 तक है तो डेफिनेटली कॉस्मिक बैट पेंडोरा के कीबोर्ड ही बेस्ट रहेंगे। लाइक पेंडोरा ले सकते हो या फिर मंथ ले सकते हो। बाकी आप अपना बजट 1300 to 1400 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते तो HP GK320 भी पूरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसे कॉस्मिक बैट से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कॉस्मिक बैट ही विनर होगा। बाकी और कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।